जालना में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना का पूरे राज्य से मराठा संगठनों की ओर से निषेध किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज नागपुर में भी सकल मराठा समाज की ओर से नारेबाजी कर आंतरवाली सराठी में हुई घटना का निषेध किया गया। अब तक मराठा समाज ने 58 शांति मार्च निकाले हैं, कभी कोई घटना नहीं हुई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री कर रहे हैं। मराठा समुदाय ने पहले पुलिस पर पथराव किया था, मराठा समाज को बदनाम मत करो और दोषियों पर कार्रवाई करो, ऐसी मांग नागपुर से सकल मराठा समाज की ओर से की गई है। नहीं, ये आंदोलन इसलिए एक किया जाए कि कल जो लाठीचार्ज हुआ है वहाँ पे जो निर्दोष लोगों को जो जख्मी किए है ये पूरा प्री प्लानिंग काम था। इसके लिए पूरा मराठा समाज नागपुर शहर की तरफ से हम लोग निषेध करते हैं, सरकार का निषेध करते हैं। अगर इनके वो दोषियों के ऊपर में उचित कार्रवाई नहीं की तो इसके बाद में एक भव्य दिव्य आंदोलन लिया जाएगा, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम ये मराठा समाज की तरफ से सरकार को हम इशारा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा आरक्षण का प्रश्न जो है वो मिटाए और ये जिन लोगों को ये अत्याचार हुआ है उनको उचित न्याय मिले। सकल मराठा समाज नागपुर की तरफ से हम लोग यहाँ पे आज शिवतीर्थ जो स्थान पे हम लोग खड़े हैं गांधी गेट महल पर, वहाँ से हम संपूर्ण पूरा नागपुर शहर का मराठा समाज एकजुट हुआ है। और कल जो जालना में एक सुनियोजित जिसे कह सकते हैं एक जो बहुत बड़ा हल्ला हुआ है हमारे मराठा समाज के आंदोलनकारियों के ऊपर, एक सादा आंदोलन था, कल का हमारा चौथा दिन था वहाँ का आमरण उपोषण का, और जो हमारे नारांजे करके जो हमारे वहाँ के आंदोलनकारी है जो उपोषण पर बैठे हुए उनके पूरे सहयोगियों के ऊपर करीब करीब 40 गाड़ियों के साथ में पुलिस तापा बुला के उनके ऊपर निम्न लश्करी दल के साथ में पुलिस के साथ में जो भैड़ हल्ला हुआ है, और बताया गया है कि वहाँ से जो हम देख रहे हैं टीवी में आप लोगों के माध्यम से कि कैसे पुलिस वालों ने खुद होके आंदोलनकारियों को पीछे खींच के उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, ये पूरा सुनियोजित हल्ला है, क्योंकि कल 3 तारीख है, 3 तारीख को वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और उस कार्यक्रम में ये नहीं होना चाहिए, आंदोलन नहीं होना चाहिए करके उसको तोड़ने के हिसाब से ये सब बातें सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आती है। हमारी मांगनी यही थी कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, जो 50% आरक्षण दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 50% आरक्षण हमको, उसमें से हमारा आरक्षण हम लोग की डिमांड है, हमारी काफ़ी पुरानी डिमांड है ये, और उसके ऊपर हमारा आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है 2004 से नागपुर में। डिमांड हमारी वही है कि ये इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए जिन जिन लोगों का इसमें, यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट के लोगों का भी इसमें अगर हस्तक्षेप रहा है तो उनको भी राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड। जालन्यातील आंतरवली सराठी या गावामध्ये काल जो मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झालाय त्याच्या निषेधार्थ आपण बघतोय की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये याचे पडसाद उमटतायत, आणि आज आपण बघतो आहे की या ठिकाणी नागपुरात देखील निषेध आंदोलन करण्यात येत आहे। आपण बघू शकतोय की इथे निषेध आंदोलनाचा बोर्ड घेऊन जे आहे इथे निषेध आंदोलन केलं जात आहे की काय सांगाल? काल जे जालन्याला झालेलं प्रकरण, जे मराठा लोकांवरती आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले लोक, ते उपाशी तपाशी आणि आजारी पडलेले काही लोक, त्यांच्यावरती ज्याप्रमाणे पोलिसांनी जो लाठीचार्ज केलेला आहे आम्ही त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी पूर्ण सकल मराठा समाज आज या ठिकाणी जमा झालेलो आहे। सरकारने जर त्याच्यावर उचित कार्यवाही जर नाही केली तर हे आंदोलन पुन्हा आणखी तीव्र करण्यात येईल अशी आम्ही त्यांना नोंद देतो, आणि त्यांनी ती नोंद घेऊन पुढे कारवाई आणि मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रश्न उचललाच पाहिजे। तुमची मागणी नाही पूर्ण झाली किंवा याच्यावर काही तोडगा नाही निघाला तर पुढे काय पावलं? आम्ही आणखी आमचं आंदोलन पुन्हा तीव्र करून आम्ही सरकारचा निषेध करू। पण बघितलं की आंदोलन जे आहे जर मागणी पूर्ण नाही झाली किंवा याच्यावर तोडगा नाही निघाला ज्याप्रमाणे काल आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला त्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन आहे, आणि मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा इथे देण्यात आला आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड सोबत मी शिवजा देशमुख, BCN News नागपूर।